सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर प्रवासी पक्षियों ने हत्ती कुंड बैराज पर आना शुरू कर दिया। बर्फीले इलाकों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पक्षी हर साल यहां आते हैं। इलाके के अनुकूल जलवायु और साफ आबोहवा और शांति इन्हें आकर्षित करती है। देखिए खास रिपोर्ट। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर प्रवासी पक्षियों ने हथनी कुंड बैराज पर आना शुरू कर दिया है। बर्फीले इलाकों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पक्षी हर साल यहां आते हैं। इलाके की अनुकूल जलवायु और साफ आबोहवा और शांति इन्हें आकर्षित करती है। नवंबर के महीने में साइबेरियन पक्षी आने शुरू हो जाते हैं उस तरफ ठंड होने के कारण ज्यादा, और फरवरी मार्च तक यहाँ त्रिकुण बैराज पे रहते हैं। ये कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं साइबेरियन प्रदेश से, और यहाँ का बाई एयर 60,000 किलोमीटर करीब का सफर तय करके आते हैं। तो साइबेरियन से यहाँ क्यों आते हैं? उस तरफ इन दिनों ठंड ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो बर्फ़ पड़ने के कारण वहाँ पर खाने का इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ का इस तरह यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो ये पसंद भी करते हैं, तो इसलिए नवंबर के महीने में आने शुरू हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी मेहमानों की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि पर भी विभाग के अधिकारियों की नजर है। 24 घंटे पूरी चौकसी बरते हैं, रूटीन में गश्त करते हैं इनकी सुरक्षा का, इनको किसी प्रकार की हंटर्स से बचाना पूरी तरह हमारी निगरानी रहती है पूरे यमुना बेल्ट में, तभी इनको सुरक्षित माहौल मिल रहा। और आप भी जाकर आए तो बहुत अच्छी संख्या में बिल्कुल बिल्कुल पर्यटकों के लिए तो बहुत ही सुंदर नजारा मिलता है इन दिनों हथनी कुंड बैराज पे, शांत में साफ जल है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ये मार्च अप्रैल के महीने में घर लौटना शुरू कर देते हैं। दरअसल भारत में गर्मी की शुरुआत के साथ ही ये विदेशी मेहमान लौट जाते हैं।